हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 8 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है शब्द ज्ञान। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें अर्थ समझना है। ठीक है, पहला शब्द है मजाक उड़ाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है बच्चों हंसी उड़ाना। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मॉकिंग। दूसरा शब्द है चिढ़ाना। चिढ़ाना का अर्थ होता है बच्चों छेड़ना या नाराज करना। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीस। अगला शब्द है बेढंगी। बेढंगी का अर्थ होता है बच्चों विचित्र या खराब। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं फॉल। अगला है गांठ बांधना। इसका अर्थ होता है बच्चों याद करना या अच्छी तरह समझना, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमेम्बरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। और पहला प्रश्न है का नंबर पर यीशु की नानी ने उसे क्या दिया। नंबर आ पर टोपी, बा कुर्ता, सा पैंट और धा पर कमीज। तो यीशु की नानी ने उसे क्या दिया था बच्चों, टोपी। ठीक है, तो जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला है ख नंबर पर नानी की क्या छूट गई। आ नंबर पर छतरी, बा नंबर पर हंसी, सा नंबर पर घड़ी और द नंबर पर नींद। तो नानी की क्या छूट गई बच्चों, हंसी। जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे है अगला ग नंबर पर यीशु का मजाक कौन उड़ा रहा था। आ नंबर पर उसकी कक्षा के अध्यापक, बा नंबर पर उसकी नानी, सा नंबर पर उसकी कक्षा के बच्चे और द नंबर पर उसकी दादी। तो यीशु का मजाक कौन उड़ा रहा था बच्चों, उसकी कक्षा के बच्चे। सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे है प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है यीशु की नानी ने उसे क्या बुनकर दिया। इसका उत्तर होगा बच्चों, यीशु की नानी ने चार फुन्नों वाली रंग बिरंगी टोपी बुनकर दी। ठीक है, अगला प्रश्न है ख नंबर पर टोपी पर कितने फुंदने थे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, टोपी पर चार फुंदने थे। अगला प्रश्न है ग नंबर पर यीशु टोपी पहनकर कहाँ गया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यीशु टोपी पहनकर स्कूल गया। आगे है अगला घ नंबर पर फुंदने कटने के बाद बच्ची ने यीशु को क्या कहकर चिढ़ाया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, फुंदने कटने के बाद बच्चों ने यीशु को देखो देखो यीशु की बेढंगी टोपी, बिना फुंदने की टोपी कहकर चिढ़ाया। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है शब्दबोध। इसमें पहला है पढ़िए और समझिए। का नंबर पर दिया हुआ है बच्चों यीशु ने टोपी खरीदी, और उसके आगे दिया हुआ है यीशु ने टोपियां खरीदी। टोपी का मतलब होता है बच्चों एक टोपी खरीदी, और टोपियां का अर्थ होता है बहुत सारी टोपियां खरीदी। ठीक है, अगला है सोनू ने गुब्बारा फुलाया। इसके आगे है सोनू ने गुब्बारे फुलाए। गुब्बारा मतलब एक गुब्बारा फुलाया, और गुब्बारे यानी बहुत सारे गुब्बारे फुलाए। आगे है ग नंबर पर मोना ने किताब पढ़ी, और इसके आगे लिखा हुआ है मोना ने किताबें पढ़ी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं प्रश्न। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर समझिए और लिखिए। ख नंबर पर है मम्मी ने रोटी बनाई। तो इसके आगे है मम्मी ने रोटियां बनाई। फिर ख नंबर पर है यीशु ने केला खाया। उसके आगे लिखेंगे यीशु ने केले खाए। केला खाया मतलब एक केला खाया, और केले खाए यानी बहुत सारे केले खाए, एक से अधिक केले खाए। ग नंबर पर है पापा ने कमीज सिलवाई। तो इसके आगे लिखेंगे हम पापा ने कमीजें सिलवाई। कमीज यानी एक कमीज सिलवाई, और कमीजें मतलब एक से अधिक कमीचे सिलवाएं। ठीक है बच्चों, आगे है चित्रों को उनके नामों से सही मिलान कीजिए।
पहले नंबर पर है उन, तो उन को बच्चों हम उन से मिला देंगे। फिर है नानी, नानी को नानी से मिलाएंगे। फिर दिया हुआ है टोपी, टोपी को हम टोपी से मिलाएंगे। इधर दिया हुआ है ईसु, ईसु कहाँ पर है बच्चों, ड़ा नंबर पर, तो ईसु से मिला देंगे। और गांठ, गांठ किसी भी कपड़े में रस्सी में हम गांठ बना देते हैं, तो ये क्या है, गांठ। ठीक है, आगे है विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों काटना, काटना का विपरीत क्या हो जाएगा, जोड़ना। दिन, दिन का उल्टा हो जाएगा बच्चों रात। खरीदना, खरीदना का बेचने से मिलाएंगे। आना, आना को हम जाना से मिलाएंगे। कम को अधिक से मिलाएंगे और शांत को अशांत से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी जोड़ियाँ थी जो कंप्लीट हो गई। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों, तो का नंबर पर है पहला, जो पढ़ाता है, जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अध्यापक। क्या बोलते हैं, अध्यापक। आगे है जो दान करता है, जो दान करता हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, दानी। जो दान करता है उसे क्या बोलेंगे, दानी। आगे है जो सबको रास्ता दिखाए, जो सबको रास्ता दिखाए उसके लिए क्या बोलेंगे बच्चों, एक शब्द में मार्गदर्शक। क्या बोलेंगे, मार्गदर्शक। घ नंबर पर है जो दूसरों पर दया करे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, दयालु। जो दूसरों पर दया करे उसको क्या बोलेंगे, दयालु। अगला है ड़ा नंबर पर, जो सबका उपकार करे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, परोपकारी। जो सब पर उपकार करे उसको क्या बोलेंगे, परोपकारी। जो हमेशा खुश रहता हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, खुश दिल। जो हमेशा खुश रहता हो उसको क्या बोलेंगे, खुश दिल। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो पार्ट 8 था वो पूरा होता है बच्चों। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।